जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो जितने भी लड़के डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज मैं लेके आ चुका हूँ। नाविक जीडी यानी कोस्ट गार्ड के अंतर्गत वैकेंसी आ चुकी है सभी लड़कों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पोस्ट का नाम है नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक। ठीक है, इसके अंतर्गत आप 12th पास जो लड़के हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंतर्गत जो 10th पास लड़के हैं वो फॉर्म, इसके अंतर्गत 12th पास जो लड़के हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंतर्गत 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंतर्गत 10th प्लस आप डिप्लोमा वाले लड़के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कितनी सारी पोस्ट है वो आपको बताने जा रहे हैं, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसकी वैकेंसी, इसका फॉर्म कब से स्टार्ट है वो आपको बताने जा रहा हूँ, साथ में और सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको इस वैकेंसी की बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें जितने भी लड़के हमारे साथ नए हैं, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, दिख रहा होगा, क्लिक कर लीजिए, कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा और इसमें कितनी पोस्ट है वो आपको दिखाने जा रहे हैं और सिंपली आप इसकी तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी करने के लिए आप सिंपली परीक्षा ऐप पे जाएंगे, परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने परीक्षा ऐप की लिंक दे दी है, आप इसमें कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं उसमें आप फ्री घर बैठे तैयारी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसमें आपको कोड यूज करना है JIA5050। ठीक है, शॉर्टकट में इसे किया गया है, जे का मतलब होता है ज्वाइन, आई का मतलब होता है इंडियन, ए का मतलब होता है आर्मी और 50 का मतलब होता है 50% का डिस्काउंट। क्या 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन पेपर, ओल्ड एयरफोर्स ग्रुप एक्स का, एयरफोर्स ग्रुप वाई का और अन्य सारी वैकेंसियों का, यहाँ पे ओल्ड पेपर न्यू पेपर सब कुछ, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है। कैसे ऐप को यूज़ करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़िए, जाके देख लो। ठीक है, चलिए मैं अब आगे बता देता हूँ। ये तो आपको घर बैठे तैयारी करने का बात हो गया, परीक्षा ऐप पे जो सक्सेस का एक मात्र मात्रा है डिफेंस का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। तो ठीक है, वैकेंसी की मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं। तो इसमें तीन पोस्ट हैं जो आप जो भी लड़के 17 साल और 23 साल के बीच में है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि 16-17 साल के बीच में है। ठीक है, छूट आपको यहां पे SC ST यहां पे छूट से भी रिलेटेड बात दी गई है। ठीक है, तो छूट से रिलेटेड जो बात है वो भी थोड़ी फॉलो करती है। ठीक है, यहां पे अब मैं पोस्ट का नाम बता देता हूं। ठीक है, यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं, उसके बाद पोस्ट का नंबर बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, सेकंड पे आपका फिजिकल टेस्ट है, थर्ड पे मेडिकल है, फोर्थ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपका डिस्पैच है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर स्टेज 1 स्टेज 2 में कौन-कौन से कितने-कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो सिलेबस डिवाइडेड है सिलेबस पे हम वीडियो बना देंगे कि सिलेबस किससे रिलेटेड है। ठीक है, यहां पे आपको और पोस्ट के बारे में बता देता हूं। इसमें आपको टोटल 322 पोस्ट दी गई है। ठीक है, जिसमें जीडी के लिए यहां पे 260 है और डीबी के लिए यहां पे 35 है, यांत्रिक के लिए 27 है। इसके लिए 12th पास, 10th पास, 10th प्लस ITI। ठीक है, यहां पे मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 22 साल और छूट 1-2 साल लेके 23 साल आपका हो जाता है। एज बिटवीन यहां पे इसके बीच में रहना चाहिए। SC ST को स्पेशल इसमें छूट इंक्लूड की गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां पे SC ST की फीस 0 है, 1 रुपया भी नहीं है और जनरल OBC EVS की फीस 250 रुपये है। आपका अप्लीकेशन जो स्टार्ट है 4 जनवरी 2022 से लेकर लास्ट 14 जनवरी 2022 तक शाम को 5 बजे तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम डेट आई तो आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा। और किस पोस्ट में जनरल OBC ST ST में किसने कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पे चार्ट मैंने रख दिया है, वीडियो को रोक के आराम से आप सिंपली देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये तो वैकेंसी की डिटेल थी। यहाँ पे फॉर्म भरने के दौरान क्या क्या आपको लगेगा, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, फोटो वगैरह जो भी सिग्नेचर वगैरह क्या क्या लगेगा वो बताया गया है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। ठीक है, और नोटिफिकेशन के अंतर्गत यहाँ पे और सैलरी की डिस्कस है, तो सैलरी बढ़िया है, पे स्केल के बारे में नहीं चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, पे स्केल आपको उतनी तो मिल ही जाती है जितनी कि आपका मतलब परिवार मेंटेन हो जाता है और आपके सपने भी कुछ सालों बाद पूरे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप फोटो वगैरह डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना पड़ता है वो डिस्कस है, प्रोसेस क्या है कैंडिडेट के अंदर, और यहाँ पे कुछ नोटिस दी गई है और लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है, 14 जनवरी है। ठीक है, अदर बेनिफिट इसमें डिफेंस ज्वाइन करने का वो भी है। ठीक है, और यहाँ पे स्केल के बारे में चर्चा किया गया है, तो स्टार्टिंग में आपको 21-22 हज़ार दिया जाता है, उसके बाद प्रमोशन होता है, बढ़ते जाता है ट्रेनिंग के बाद, वो अलग बात है। नाविक डीबी में भी 21 हज़ार से ही स्टार्ट किया जाता है, इसमें 30 हज़ार से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यांत्रिक में जो 10th प्लस ITI था, ठीक है, और बढ़ता जाता है 40 हज़ार 50 60 70 80 बहुत ही आगे तक भी जाता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, जब तक आप जॉब में रहते हैं। ठीक है, ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर
पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सबकी सैलरी बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे इंश्योरेंस कवर आपका 50 लाख का इंश्योरेंस भी होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, एज बता दिया, पोस्ट कितनी है वो बता दिया, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या क्या लगेगा, कब से फॉर्म स्टार्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, सारे लड़के इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा पे आप सिंपली जाके इसकी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर सारी क्लासेस मिलती है डिफेंस की, जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबका कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है JI, ज्वाइन इंडियन आर्मी का A, सभी का ज्वाइन इंडियन आर्मी, और 50% डिस्काउंट लगाने के लिए ये कोड लगाएंगे। और वीडियो में मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया है कैसे आप ऐप में ये कोड लगा के हर एक कोर्स 50% डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। साथ ही साथ में इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप सिंपली इसे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से अगली वैकेंसी की अपडेट लेके हम आपके बीच में आएंगे, ठीक है, चलते हैं।